हेलो एवरीवन, आप देख के जान ही गए होंगे कि ये क्या है। अभी आज हम ये रेसिपी देखेंगे, कुल्फ़ी। पैन लिया है मैंने, इसमें ऑलमोस्ट मैंने 1 लीटर मिल्क ली हूँ। थिक मिल्क चाहिए, फुल क्रीम वाला, लो फैट मिल्क ना ले, फुल क्रीम ले। अच्छे से बॉईल होने दे उसे। देखिए बॉईल पे आ गया है ये। इसी में मैंने 1/2 कप कंडेंस मिल्क, स्वीट कंडेंस मिल्क मिक्स किया है। मैं यहाँ दिखाना भूल गई हूँ, 1/2 कप स्वीट कंडेंस मिल्क मैंने इसमें मिक्स किया है और अच्छे से उसे बॉईल होने दिया है, देखिए ऐसे। एंड अभी 1/2 कप क्रीम ली हूँ मैंने, इसे भी अच्छे से बॉईल होने दे। ये मिल्क हाफ होना चाहिए। उसके बाद थोड़े से दूध में हमें सैफ्रन स्ट्रिंग्स डाल के इसमें ऐड करने हैं, जैसे वीडियो में आप देख रहे हो उसी तरह। और मिल्क कंटिन्यूसली आप स्टिर करें ताकि नीचे ना पकड़ना, नहीं पकड़ना चाहिए। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये 1/2 कप मैंने आलमंड्स एंड 2 टेबलस्पून कैशनट्स के मैंने पेस्ट बनाया है। दूध के साथ आपको मिक्स करके पेस्ट बनाना है। देखिए दूध डाल के, पानी ना डालें, दूध से पेस्ट करिए। अब इसी में हम वो पेस्ट मिक्स करेंगे। पेस्ट एकदम स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स करना है, लम्स नहीं रहना चाहिए। कंटिन्यूस आप इसे स्टिर करें, देखिए लम्स जैसे दिख रहे हैं आपको। कंटिन्यूसली आप स्टिर करोगे तो ये लम्स चले जाएंगे। देखिए आप कंटिन्यूसली इसे स्टिर करते रहना है, घुमाते रहना है चम्मच, और दूध एकदम हाफ से भी कम हो जाना है इसका। जितना बॉयल होगा ये, उसका टेस्ट उतना निखर के आएगा। ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लास्ट में हमें मिक्स करने हैं। बहुत हेल्दी है, होममेड, ज़रूर ट्राई करिए आप। आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए आपको दिख रहा है टेक्सचर मिल्क का थिक हुआ है। मैंने लास्ट में 1/4 कप मैंने पिस्ता लिया है, इसे हम जस्ट क्रश करेंगे, देखिए ऐसे, ताकि हम लास्ट में दूध में ऐड कर सके इसे। जब आप कुल्फ़ी खाओगे तो आपको बीच में क्रंचस मिले, उसका टेस्ट और अच्छा लगेगा। देखिए बन गया है, थिक हो गया है। अभी हम इसे गैस बंद करके थोड़ा देर साइड रख देंगे ताकि दूध का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ताकि हम माउल्ड्स में डालें इसे। देखिए हमने पिस्ता ऐड कर दिया है इसमें, क्रश्ड पिस्ता। अब थोड़ा देर रहने दें ताकि नॉर्मल टेम्परेचर हो, फिर हम इसे माउल्ड्स में डालेंगे। देखिए थिक हो गया है, इस तरह आपको बॉयल करनी है। आप माउल्स किसी भी तरह के लें, मेरे पास ये है लंबे वाले तो मैंने ये लिए हैं। इसी में डालें आप, कोन ले, या आप कप्स में भी डाल सकते हो। अगर आप कप्स में डालोगे तो आपके पास जो क्लिंग पेपर रहेगा उसे आप कप को कवर करें उससे। ये देखिए माउल्स में इस तरह आप डालें। इसे हमें डीप फ्रीज में 6 to 7 आवर्स रखना है। उसके बाद देखिए कितना यम्मी टेस्टी कुल्फ़ी, होममेड। आप खाओगे तो छोड़ोगे नहीं, आप ज़रूर ट्राई करिए। आप बना के खा के मुझे कमेंट्स करिए कैसा लगा आपको। थैंक यू।